दोस्तों, आज गुल्ली बुली और सोन ये तीनों गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए गोवा जा रहे हैं। गुल्ली बुली तो गोवा ले जाने के लिए काफी सामान को बैग में डाल लिया है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सोन काफी लेट कर रहा है। बुल्ली बोलता है सोन ने कल कुछ ज्यादा ही राजमा चावल खा लिया था, इसीलिए वो सुबह से 10 बार शौचालय जा चुका है और अभी भी वो शौचालय में ही है। गुल्ली बोलता है ये ऐसे नहीं सुधरेगा, तेरा तो गेम बचाना। सोन का ऐसा हाल देखकर गुल्ली बुली हंसने लगते हैं। सोन बोलता गुल्ली ये तुमने अच्छा नहीं किया। गुल्ली बोलता है तुम्हारे ही कारण हम लोग हर बार लेट हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में बस गोवा जाने वाली बस आती ही होगी। सोन बोलता है मैं अभी बस 2 मिनट में तैयार होकर आता हूँ, और फिर सोन घर के अंदर चला जाता है। और थोड़ी ही देर में गुल्ली बुली की गोवा जाने वाली बस भी आ जाती है। गुल्ली बोलता है बस तो काफी ज्यादा सुंदर है और काफी बड़ा भी। बुल्ली सोन को आवाज लगाता है, सोन बस आ चुकी है, अब जल्दी चलो वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। और फिर सोन सच धज कर घर से बाहर निकलता है। ये तो एक मिनट रुको, तुम खुद देखो, ये देखो है मुझसे वही स्मार्ट, बताओ खुद नहीं, तुम खुद देख, मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो। बुल्ली बोलता सोन कौवा कितना भी नहा ले वो कभी कबूतर नहीं बन सकता, और तुम्हारा तो शकल भी कुत्ते जैसा है। सोन बोलता है बुल्ली अपना जुबान संभाल कर बोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लड़बे का आओ लड़। बुल्ली बोलता है तुम लोग लड़ाई झगड़ा करना बंद करो वरना मैं गोवा का ट्रिप कैंसिल कर दूंगा। गोवा का ट्रिप कैंसिल होने का नाम सुन के ही बुल्ली और सोन दोनों लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देते हैं, लेकिन बुल्ली ने तो सोन का कुछ ज्यादा ही बुरा हाल कर दिया है। तभी बस वाले अपने बस का हॉर्न बजाता है और गुल्ली बुल्ली को अंदर आने का इशारा करता है। इशारा देखते ही गुल्ली बुल्ली सोन तीनों दौड़कर बस के अंदर भागते हैं। गुल्ली बोलता है इतनी अच्छी बस में सड़े हुए चूहे की बदबू कहाँ से आ रही है। सोन बोलता है ये बदबू तो इस बस के पीछे से आ रही है। और जब सोन आगे बढ़कर देखता है तो वहाँ पर एक आदमी की लाश है। सोन ये देखकर डर जाता है और वो गुल्ली बुल्ली को बताता है कि यहाँ पर एक आदमी की लाश रखी हुई है। गुल्ली बोलता ड्राइवर यहाँ पर ये लाश कैसे आई, कहीं तुमने इस आदमी को तो नहीं मारा। ड्राइवर बोलता हाँ उसे मैंने ही मारा है, वो बस का भाड़ा देने में कचर कुचर कर रहा था इसीलिए मैंने उसे निपटा दिया। सोन बोलता मुझे लगता है कि तुम कहीं के गुंडे मवाली हो। ड्राइवर बोलता हाँ मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। और अब तुम लोग चुपचाप बैठ जाओ वरना तुम लोग का हाल भी उसी आदमी के जैसा होगा। ये सुनकर गुल्ली बुली सोन डर जाते हैं और चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। सोन बोलता गुल्ली तुमने कैसा बस बुक किया है, ये आदमी तो पैसा नहीं मिलने पर जान से मार देता है। गुल्ली बोलता हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। ये सुनकर सोन थोड़ा खुश हो जाता है और बोलता चल गाड़ी आगे बढ़ा। और फिर बस का ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। गुल्ली बोलता ये बस ड्राइवर कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। सोन बोलता है बोलो तो इसका खेल खत्म कर दूं, इसे शायद पता नहीं है कि हम लोग किसके आदमी है। गुल्ली बोलता नहीं सोन रहने दो, गुस्सा खराब है। और फिर वो बस का ड्राइवर जंगल में बस को ले जाकर रोक देता है। गुल्ली बोलता आखिरकार इसने बस को यहाँ पर क्यों रोक दिया है, हम लोग पहले ही काफी लेट हो चुके हैं। बस का ड्राइवर बोलता ये मेरे खाने का समय है और मैं खाना खाने के बाद रोज 2 घंटा सोता हूँ, अब ये बस 2 घंटा बाद ही स्टार्ट होगी। बुल्ली बोलता तब तो हमें गोवा जाने में काफी देर हो जाएगी। ये सुनकर सोन को काफी जोर का गुस्सा आता है और वो बस ड्राइवर के पास जाता है और उसे जोरदार लात मारता है, जिसके कारण बस का ड्राइवर सीधे बस के बाहर जाकर गिरता है। सोन बोलता अभी ये बस मैं चलाऊंगा। ये देखकर गुल्ली बुल्ली भी सोन के पास आ जाते हैं। गुल्ली बोलता वाह सोन तुमने तो पहली बार कोई ढंग का काम किया है, अब हम लोग गोवा और जल्दी पहुंच पाएंगे। और फिर सोन बस को स्टार्ट कर देता है। ये देखकर तो बस का ड्राइवर वहां से भागने लगता है। गुल्ली बोलता ये देखो बदमाश कैसे जान बचाकर भाग रहा है। बस ड्राइवर का ऐसा हाल देखकर गुल्ली बुल्ली सोन काफी हंसते हैं। गुल्ली बोलता सोन बस को थोड़ा धीरे ही चला वरना हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। सोन बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो गुल्ली, हम लोग बस 2 घंटे में ही गोवा पहुंच जाएंगे।
तभी गुल्ली बुली सोन के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में ये लोगों ने सोचा भी नहीं था। बस का एक पेड़ से जोरदार टक्कर हो जाता है। जिसके कारण बस में ही आग लग जाती है। गुल्ली बोलता, सोन ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि बस को धीरे चलाओ, और इससे पहले कि ये बस ब्लास्ट हो जाए हमें यहाँ से भागना होगा। और फिर गुल्ली बुली सोन उस बस से तुरंत बाहर निकल कर भागते हैं। गुल्ली बोलता है, आज तो हम लोग मरते मरते बचे हैं। गुल्ली बोलता है, पर आखिरकार हम लोग इस जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? ये जंगल काफी ज्यादा वीराना और खतरनाक लग रहा है। और इस जंगल में भेड़िया के चिल्लाने की आवाज भी आ रही है, और अगर भेड़िया ने हमें देख लिया तो वो हमारी हड्डियां तक चबा जाएगा। सोन बोलता, हाँ मुझे भेड़िया से काफी ज्यादा डर लगता है। गुल्ली बोलता है, तुम इसकी चिंता मत करो, अगर भेड़िया आ गया तो मैं उसे अकेले ही संभाल लूंगा। मेरे गांव में जब कोई भी जंगल में भेड़िया रोता था तो उसकी माँ बोलती थी, चुप हो जाओ वरना बुल्ली दादा आ जाएगा। सोन बोलता, वाह बुल्ली, अगर ऐसा है तो हमें भेड़िया से डरना ही नहीं चाहिए। बुल्ली बोलता, अगर भेड़िया आ गया तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। गुल्ली बोलता, वो देखो उधर शायद झाड़िया में वो छिपा हुआ है। कौन है? हमारे सामने आओ। गुल्ली बोलता, अरे ये तो भेड़िया है। सोन बोलता, गुल्ली तुम चिंता मत करो, बुल्ली हमें बचा लेगा। लेकिन इतनी जल्दी बुल्ली कहाँ चला गया? गुल्ली बोलता, भागो सोन, अपनी अपनी जान बचाओ। सोन बोलता, बुल्ली तुम तो भेड़िया से लड़ने वाले थे तो आखिरकार भाग क्यों रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता कि सच में भेड़िया आ जाएगा। गुल्ली बोलता, वो देखो सामने एक बस खड़ी है, हम लोग को उस बस में बैठकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर गुल्ली बुली सोन तीनों भागकर उस बस के अंदर चले जाते हैं। गुल्ली बोलता, आज तो हम लोग मरते मरते बचे। लेकिन शायद गुल्ली बुली सोन को पता नहीं है कि जिस बस में वो लोग बैठे हैं वो बस कोई मामूली बस नहीं है, बल्कि ज़ॉम्बी बस है। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? गुल्ली बोलता है सोन तुम रो मत, बस इन लोगों को शक नहीं होना चाहिए कि हम लोग ज़ॉम्बी नहीं है, क्योंकि अगर इन लोगों को पता चल गया कि हम लोग इंसान हैं तो ये हम लोगों को मार डालेंगे। गुल्ली बोलता है हम लोगों को ज़ॉम्बी बनने का नाटक करना पड़ेगा, जितनी पागल जैसी हरकत कर सकते हो उतनी पागल जैसी हरकत करो। सोन बोलता है, तो देखो मेरा कमाल। अरे ये क्या, सोन ने तो एक ज़ॉम्बी को एक लात मारकर बस के बाहर ही फेंक दिया है। ये देखकर सारे ज़ॉम्बीज खुश हो जाते हैं और बस में जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी उसमें से एक ज़ॉम्बी उठता है और बोलता है, अब ये बस खाई में गिरने वाली है, सारे लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर सोन गुल्ली बुली के पास जाता है। सोन बोलता है, गुल्ली बुली ये बस थोड़ी देर में खाई में गिरने वाली है, हमें कुछ जल्द ही करना होगा। गुल्ली बोलता है, बाबा को फोन लगाओ, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। सोन जल्दी से बाबा को कॉल लगाता है, लेकिन बाबा तो कॉल उठा ही नहीं रहे। सोन बोलता है, बाबा मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं, अब हमें कुछ करना होगा। गुल्ली बोलता है, तो करना ही क्या है, जल्दी से उस बस ड्राइवर को रोको। और फिर गुल्ली उस बस ड्राइवर के पास दौड़ कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें से एक ज़ॉम्बी गुल्ली को अपना पैर फंसा कर गिरा देता है। और फिर उसमें से एक ज़ॉम्बी बोलता है, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम हमारे जैसे ज़ॉम्बीज तो नहीं लग रहे, बताओ तुम कौन हो? और इधर सोन खिड़की से बाहर कूदने की तो कोशिश कर रहा है। तभी उसमें से ज़ॉम्बीज बोलता, रुको अभी मैं इसे बताता हूँ। गुल्ली बोलता, सोन के साथ तुम ऐसा मत करो वरना वो मर जाएगा, तुम लोग जो बोलोगे वही होगा। और फिर सोन खिड़की में से मुंह अंदर करता है, लेकिन सोन के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। और फिर वो ज़ॉम्बीज बुल्ली को लातों से मारने लगता है। ये देखकर गुल्ली का दिमाग झन ना जाता है,
और फिर क्या था, गुल्ली भी शुरू हो जाता है। गुल्ली ने तो इस जॉम्बिस को बस से ही बाहर फेंक दिया। ये देखकर सारे जॉम्बिस गुल्ली की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अब गुल्ली बुल्ली क्या करेंगे, इन सारे जॉम्बिसों ने तो गुल्ली बुल्ली सोन को रस्सियों से बांध दिया है। तुम लोग को अपने हाथों से मारने से अच्छा है कि तुम लोग हमारे साथ ही खाई में गिरो, क्योंकि ये बस थोड़ी ही देर में खाई में गिरने वाली है। और इतना बोलकर सारे जॉम्बिस हंसने लगते हैं। और ये बस भी अपने पूरी रफ्तार में खाई की तरफ बढ़ रही है। गुल्ली बोलता है, मरने के सिवाय हम लोग के पास कोई चारा नहीं है। तभी सोन चिल्लाकर बोलता है, बाबा मैं आपका नरक में इंतजार करूंगा। लेकिन तभी जॉम्बी ड्राइवर बस को रोक देता है। तभी उसमें से एक जॉम्बी बोलता है, बस को क्यों रोका, बस को सीधे खाई में जाने दो। बस के आगे एक बुढ़ा खड़ा है और वो सामने से हटी नहीं रहा। गुल्ली बोलता है, वो बुढ़ा कहीं बाबा तो नहीं। बुल्ली बोलता, मुझे पहले ही पता था कि बाबा हमें बचाने जरूर आएंगे। अब तुम लोग में से किसी की खैर नहीं। बुल्ली की बात सुनकर जॉम्बी बोलता है, जो कोई भी हो उड़ा दो उसे। और फिर ड्राइवर बस को स्टार्ट कर बाबा की तरफ बढ़ा देता है। तेरा क्या होगा कालिया। बच गया साला। और फिर क्या था, बाबा उस बस की तरफ दौड़ लगा देते हैं। बुल्ली बुल्ली सोन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार बाबा क्या कर रहे हैं। जॉम्बी बोलता है, तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ और ये बस थोड़ी ही देर में खाई में गिरने वाली है। और इधर सारे जॉम्बी इस बस को खाई में गिरने का खुशी मना रहे हैं। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई। और फिर ये बस खाई में गिर जाती है। अरे ये क्या, बस को आखिरकार किसने रोक लिया है? अरे ये तो हमारे प्यारे बाबा लंगोटी लाल है। सारे जॉम्बिस खिड़की से बाहर की ओर देखने लगते हैं। और इधर बाबा बस को धीरे धीरे खाई से पीछे खींच रहे हैं। तभी उसमें से एक जॉम्बिस बोलता हूँ, देखता हूँ इस बस को नीचे गिरने में क्या दिक्कत आ रही है। और फिर वो बस से उतरता है और पीछे देखने के लिए चला जाता है। मैं बस को नीचे नहीं गिरने दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। किस मिट्टी के बने हो तुम, तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। रुको जरा, सबर करो। अच्छा और फिर क्या था, बाबा उस जॉम्बिस को घसीट घसीट कर मारने लगते हैं। तभी उसमें से एक जॉम्बिस ये सब सारा नजारा अंदर से देख रहा होता है। अरे दोस्तों, एक बुड्ढा हमारे दोस्त को मार रहा है, चलो सबको उसे बचाने। और फिर सारे जॉम्बिस बाबा से लड़ने के लिए चले जाते हैं। और इधर गुल्ली बोलता है, हमारे बाबा हमारे लिए अकेले इन सभी से लड़ रहे हैं, हमें भी बाबा का साथ देने के लिए बाहर चलना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन भी ये तीनों बाबा का साथ देने के लिए बाहर आ जाते हैं। और अब इन सभी जॉम्बिसों का खेल खत्म हो चुका है। गुल्ली बोलता, बाबा मुझे लगा कि आप सही समय पे नहीं आ पाएंगे, और अगर आप सही समय पे नहीं आते तो हम लोग भी इस बस के साथ खाई में गिर जाते। बाबा बोलते, ऐसा कभी हो सकता है भला, तुम बुलाओ और मैं नहीं आऊं। सोन बोलता, बाबा आप एक बार में हमारा कॉल उठा लिया करिए, पता है आपके कारण हम कितने परेशान हो चुके थे, अभी हम लोग मरते मरते बचे हैं। बाबा बोलते, क्या करेंगे सोन, मुकेश अम्बानी ने इतना रिचार्ज क्रेडिट बढ़ा दिया है। जो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये वीडियो मुकेश अम्बानी के पास चला जाए। मैं मुकेश अम्बानी के सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बताइए गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।